बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की केती कहूं मेहर महबूब की जो रूहे देखो सहुरा कर श्री मोहम्मद कहे मेहरा लेखे जो देखे रूह की नजर जो देखे रूह की नजर। निस्बत का प्रकरण देख तू निस्वत अपनी समस्त आत्मा को प्रणाम जी। श्री अक्षरातीत के द्वारा श्री महामती जी के धाम हृदय से जिस वाणी के चौपाइयों को यहाँ पे उद्धृत करके हम आज जो ज्ञान की धारा को सुनेंगे या पहले पूर्व काल से ही हम सुनते आ रहे हैं, जिस प्रकार से आज आप यहाँ पे इस पन्ना के धारा में इस जगह पे आए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हैं कि क्योंकि आपको लगता है और आपको ये अनुभव हो कि आप किसके हैं। यदि आप अपनी निस्बत अर्थात यदि आप अपने संबंध के विषय में नहीं जानते, आप ये नहीं मानते कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, तो अवश्य ही आप पन्ना के इस जगह पे नहीं होते। आप कहीं उस दूर संसार में रहते, उसी संसार में ही अपने कार्य करते, वहीं पे आप रमझम करते रहते, लेकिन फिर भी एक निस्बत और एक ज्ञान होने के कारण कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, तब जाकर हम एक कदम बढ़ाते हैं, तब जाकर हम कहीं कुछ स्थान पे जाते हैं और अब ज्ञान सुनने का प्रयास करते हैं और इससे भी आगे जाकर हम उस धाम धनी के दर्शन को पाना चाहते हैं। स्वयं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देख तू निस्बत अपनी। किसको कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है और किस कारण से कहा जा रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि तू देख, किसको कहा जा रहा होगा? यदि इस शरीर को यदि कहा जा रहा है तो इस शरीर एक पौंच भौतिक तन से बना हुआ है जो सिर्फ बाहरी दुनिया को देख सकता है। आंख से देखा हुआ जो भी चीजें हैं, जैसे पंच भौतिक अर्थात पांच तत्वों से बना हुआ चीज, जो मिट्टी से बना हुआ है, जो जल आपको दिखाई देता है, जो अग्नि आप खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो वायु अभी आपके मध्य पे जो चल रही है तथा जो खाली स्थान है जिसको हम आकाश कहते हैं, तो इस पंचभौतिक चीजों में जो दिखाई दे रहा है, क्या इस आंखों से तो हमें दिखाई देता है, परंतु क्या हम इससे भी सूक्ष्म जो जीव हैं, जैसे जो कीड़े यहाँ पे घूम रहे हैं, जो आपके छालों के ऊपर भी यहाँ पे रेंगते हैं, तो क्या वो आपको दिखाई देता है? तो इसका मतलब यही है कि जो देखने के लिए कहा जा रहा है, तो हम सूक्ष्मता की ओर जाएं और इस आंखों से देखने के लिए बिल्कुल नहीं कहा जा रहा। देख तू निस्बत अपनी, जो संबंध है उस संबंध को देखने के लिए हमें अपनी आंखों को खोलना होगा। अब देखा जाए तो आंख तो दोनों ही खोले हुए हैं और हमने ज्ञान चर्चा में भी सुना हुआ है पहले से ही कि हाँ हमें आंख तो खोलना है, लेकिन यही प्रश्न उठता है कि हम जब सुबह जगते हैं, आज भी कोई आकर आपके दरवाजा को खटखटाया होगा तब जाकर आप जगे हैं और आप कहते हैं कि हाँ मैं तो जग चुके हूँ, तो इसीलिए तो मैं चर्चा में बैठी हुई हूँ, वरना मैं कैसे आपको देख पाते? लेकिन क्या प्रश्न उठता है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जो देख पा रहे हैं क्या मैं हूँ, या जो आप अपने शीशे में देखते हैं, आपको श्रृंगार करते हैं, क्या आप वो हैं? ध्यान से देखा जाए तो ये शरीर पंचभौतिक शरीर से बना है, जिसके अंदर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की ओर हड्डी दिखाई देती है, अंदर की ओर रक्त भरा पड़ा है, यदि नस वगैरह भी कट जाए तो हमारा प्राण निकल जाता है, कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तब आप देखते हैं कि शरीर के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, और जब कोई डॉक्टर यदि सर्जन करता है तो उसके अंदर के सब कुछ उसको दिखाई देता है, जिसके कारण से वो उस शरीर को पहचान लेता है, लेकिन वो खुद को कैसे ढूंढे, अपने आप को कैसे पहचाने? जब ये शरीर ही नहीं रहता तो आप कहाँ पे हैं? जब ये शरीर ही आप नहीं है तो आप कौन हैं? तो यदि ये भ्रम को टूटाना है तो तब जाकर महामती जी यहाँ पे कहती हैं कि देख तू निस्बत अपनी। तेरे इस संसार के शरीर से जुड़ा हुआ सगे संबंधी से तो तूने बहुत प्यार कर लिया,
तो कभी भाई के मुंह में है, कभी बेटे के मुंह में है, कभी पिता के मुंह में है, तो कभी सगे संबंधी के मुंह में। हम क्रोध करते हैं तो अपने सगे संबंधी के लिए, कभी अपने सुंदर साथ के लिए कभी क्रोध नहीं किया कि सुंदर साथ को तकलीफ हो रही है। संबंध देखने के लिए नज़र चाहिए और नज़र देखने के लिए स्वयं धामधनी की कृपा चाहिए। और वो कृपा किस प्रकार से मिलता है, जब हम स्वयं अपने आप को समर्पण करें और तब जाकर हमारे जो आंखें हैं, आंतरिक आंखें जिसको कहते हैं, वो खुलता है। सबने ये तो सुना ही है कि शिव जी के तीसरा नेत्र है, तो वो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र वही है कि वो हजारों वर्ष तक जब आसन जमा कर ध्यान करते थे, तब जाकर उन्होंने अपने आंतरिक दृष्टि से जो भी लोगों को देखना चाहा उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमधाम का दर्शन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज हमें वाणी मिली हुई है और वाणी के साथ साथ हमें परमधाम की लीला, वहाँ के आत्माओं का वर्णन तथा स्वरूप के भी वर्णन को हमें आत्मसात करने का मौका मिला है। लेकिन फिर भी हम उस आँखों को खोलना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, तो हमारे ये दुर्भाग्यपूर्ण ये जीवन है जो हम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। देख, देखने के लिए क्या चाहिए? आँखें। और आँखें के लिए जो शक्ति दिया गया है वो ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है, ब्रह्म अर्थात राज्य। यदि राज्य नहीं होते तो हमारे ये जो बाहरी आँखें भी है उसमें भी वो ताकत नहीं होता कि हम ये देख पाए। शरीर में जो सांसें चल रहा है वो भी राज्य के द्वारा ही चलाया जा रहा है, और जब हमारी मृत्यु होनी होगी उस समय में भी राज्य की इच्छा होगी, तब जाकर हमारी सांसें टूटेगी। लेकिन ये विश्वास कब आएगा? जब निस्वत का संबंध हमें पता चले। यदि निस्वती ना रहे तो हम कौन, राज्य कौन, परमात्मा कौन, हमें क्या लेना देना? इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा के भाव तक पहुँचा सकता है वही परमात्मा से जुड़ सकता है। शुरुआत में ही किरंतन के पहले चौपाई में कहा गया है, पहले प्रकरण के पहले चौपाई में, कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पारब्रह्म को कौन कहे रे में जान। यदि हम स्वयं अपने आप को पहचानने की इच्छा नहीं करते तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान करने की इच्छा नहीं करते तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब बचपन में हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद अब क्या होता है, माँ और पिताजी शुरुआत से ही कहना शुरू करते हैं कि मैं तेरा माँ हूँ, माँ के हैं। पिताजी कहने लगते हैं कि मैं तेरा पिता हूँ, और वो सब एक प्रकार का संस्कार डालते रहते हैं कि मैं ये हूँ, तू ये है करके उसके संस्कार में डालने के बाद अब उसको संसार में सिर्फ अपने सगे संबंधी ही लगते हैं। तब जाकर इस संसार का जो भ्रम और मोह है उसमें पैदा शुरू होना शुरू होता है। वरना जो बालक है या जो बालिका है जब शुरुआत में जन्म लेते हैं तो वो एकटक देखे रहता है कि वो क्या कह रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी जो संस्कार हम डालते हैं वही संस्कार बाद में जाकर वो बोलते हैं। तो जब दुनिया की जो भाषा है जब वही बोलने लगता है तो उसके साथ भी हमारा भी मोह बनता है और वो भी स्वयं हमारे साथ मोह करने लगता है। देख तू निस्वत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। निस्वत अर्थात संबंध, और हमारा जो संबंध है वो किसके साथ है? आप प्रश्न उठाए कि क्या हमारा संबंध स्वयं राज्य के साथ सच में है, या हम सिर्फ दुख से दूर होने के लिए, इस कष्ट से दुख होने के लिए, और परमधाम में आनंद है, सुख है, वहां पे शीतलता है, वहां पे अनंत धन है, इसीलिए हम जाना चाहते हैं। यदि हम सच में परमधाम की आत्मा हैं तो हमारे लिए स्वयं इंद्रावती जी ने कहा है कि दुख रे प्यारे मेरे प्राण को सो में छोड़े क्यों कर जाए। उन्होंने ये कहा है कि धाम धनी यदि मुझे दुख में भी मिलते हैं तो ये दुख मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन यदि हम परमधाम सिर्फ इस दुख को छोड़ के सुख पाने के लिए कर रहे हैं तो हम भोग के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं। हम सच में आत्मा होकर हम उस परमात्मा को पाना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ दुख से राहत पाने के लिए हम परमात्मा के सुख पाना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति अर्थात गौतम बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जब यदि मुझे नरक में भी भेजा जाए तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नरक में मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे शांति प्राप्त हो चुका है। स्वर्ग में तो हर कोई शांत को प्राप्त हो ही जाएगा,
लेकिन नरक में ऐसे व्यक्ति हैं जो दुख और कष्ट में हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे वहाँ पे ले चलो, मैं वहीं पे उन लोगों को दुख से कष्ट से मुक्त दिलाऊंगा। हम ब्रह्म सृष्टि कहने का दावा करते हैं, हम ये कहते हैं हमारा निस्वत राज्य से हैं, लेकिन हम प्रचार के रूप में कुछ करना नहीं चाहते, हम दुख और कष्ट को झेलना नहीं चाहते। हमें यदि खाने के लिए, यदि सोने के लिए, यदि कुछ भी ऐसे सामान नहीं मिलता तो हम दुख व्यक्त करना, प्रकट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कष्ट कौन झेलता है? कष्ट वही झेलता है जिसको निस्वत के संबंध में पता हो, त्याग वही करता है जिसको सच में राज्य की इच्छा हो। लेकिन जो संबंध है वो दूर होता हुआ जा रहा है, सिर्फ प्रोग्राम अटेंड करने से और सिर्फ ज्ञान की चर्चा सुनने से हम एक स्थान तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन वो स्थान बौद्धिक ही रहता है, वो बौद्धिक से ऊपर नहीं जाता। तब जाकर उपनिषद में कहा जाता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनमो न विद्मो, न वहाँ पे आँखें की दृष्टि जा सकती है, ना आपकी मन जा सकती है, ना जो बोली जा रही है जो वाणी है, ना ही वो वहाँ तक पहुँच सकती है। तो जिस प्रकार से हम आज ज्ञान की चर्चा को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको हम यदि अपने जीवन में क्रियान्वित नहीं करते तो क्या हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं? एक सामान्य सी बात है, आप ध्यान से देखिए, यदि घुमट जी का स्थान आप गए नहीं हैं, आप वहां तक नहीं पहुंचे, और ये कहा जाए कि आपको वहां पे जाना है, आपको यहां पे मैप भी बना कर दिया जाए, आपको लिखित रूप में भी समझा दिया जाए और गूगल मैप भी दिया जाए, लेकिन आप यहां से चलने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कितने समय पर वहां पे पहुंचेंगे? चाहे करोड़ों साल और वर्षों भी लग जाए, आप एक कदम भी नहीं चलते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसी प्रकार से यदि आपको ब्रह्मवाणी वगैरह भी सब कुछ जो नियामत है वो दिया गया है, लेकिन हम स्वयं एक कदम चलने के लिए यदि तैयार नहीं है, भले ही हमें संबंध के विषय में भी पता है, तो क्या हम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम चितवनी में नहीं बैठे तो क्या हमारा चितवनी राज्य के चरण कमल तक लग सकते हैं? धामधनी कहते हैं, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक ना पीछे फेरियो जो इश्क अंगुजत। यहाँ पे धामधनी कह रहे हैं ये मूल मिलावा अपना, किसी और का नहीं, जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका है, मेरा है। तो जो मेरा का भाव है वो कौन कह सकते हैं? वो स्वयं ब्रह्म सृष्टि ही कहती है कि ये परमधाम है, वो जो अर्श है वो मेरा है, जो वहाँ के जो परिवार सुंदर साथ हैं वो मेरे हैं, और जो मेरे होते हैं उनका ही सेवा किया जाता है। तो जितने भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या आपने अपने आप को सगे संबंधी माना है? क्या उनके दुख सुख में आपने सहभागी किया है, या सिर्फ एक गुट बनाकर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ इसलिए मुझे इसी के साथ रहना है और इनके साथ बोलना भी नहीं? यदि आपका मन इस प्रकार से बैठा हुआ है तो अवश्य ही थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी है, ये जान लीजिए। यदि हम सभी प्रांत से, सभी बात से, सभी जातियों से परे रहते हैं तब जाकर हम किसी मानव से जुड़ सकते हैं। मानवता से भी परे आत्मा भाव बहुत दूर के बाद आता है, लेकिन पहले बातें तो शुरू होना चाहिए। यदि बातें ही नहीं होगा तो हमारे बीच में क्या रहेगा? ना कोई संबंध रहेगा, ना कोई बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में फिर संसारिक बातें नहीं, जो संबंध की बातें हैं वही बातें करना उचित है। तो इसीलिए कहा गया है कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। यदि सच में तू मेरी परमधाम की आत्मा है तो तुझे अवश्य ही आँखा को खोलना ही होगा। ये कोई आपके लिए छूट नहीं है कि आप परमधाम की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो बिना आपको आँख खुले ही दर्शन हो जाएगा। आपको भी कष्ट झेलना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से स्वयं हम महामति जी के धाम हृदय में बैठे हुए आवेश शक्ति जो प्राणनाथ जी स्वयं हैं, उनके लिए हम घूमट जी तक आए हैं, उनको देखने के प्रयास कर रहे हैं, उनको ये प्रार्थना करते हैं वहाँ बैठ के, शाम में जाके 12 बजे के बाद आप जाते हैं और कहते हैं कि कुछ दर्शन करा दो। लेकिन आप और हमने क्या कार्य किया है जो सच में वो दर्शन करा दे? आज दिन तक हमने क्या दिया है जो हमें कुछ मिलेगा?
प्रेम करने वाले के लिए अवश्य ही वहाँ पे सिर्फ देना होता है, लेकिन हम तो एक भिखारी के तरह सिर्फ मांगते रहते हैं कि हमें कुछ या दर्शन दे दो, या धन दे दो, या संसार का कुछ वैभव दे दो जिसके कारण से हम इस संसार में सुख से जी सके। लेकिन यदि हम इसी प्रकार के संबंध से कुछ मांगना चाहते हैं और राज्य के जो ज्ञान है उसको लज्जित करना चाहते हैं, तो हम उस ज्ञान से लाखों कोसों दूर हैं, जिसके कारण से हमारे सच में जो आँख खुलना भी चाह रही है वो नहीं खुल पाते। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, ते तेरे कानों सुने हक बका के वो। जिस कानों से तुमने उस परम धाम में अलस्तो बेरब कुम का वो ज्ञान को सुना था, उस प्रेम को सुना था, आज तुम लोग जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं वो सब यहाँ पे हैं, इस धरती पे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, लेकिन हमें याद करना क्या होगा, उसी समय उसी पल और उसी घड़ी को याद करना होगा जिसके कारण से हम उसी समय में जुड़ जाए। जिस प्रकार से ये कहा गया कि जागो अपने तन, अभी थोड़े पहले ही भ्राता जी यहाँ पे गा रहे थे कि अपने तन में जागो, लेकिन जागने का कौन सा तन है? जो तन हमें मिला हुआ है वो तन परमधाम का है, जिसको हम परातम कहते हैं, और उस परातम के द्वारा ही हमें देखना है। लेकिन उस दृष्टि से पहुँचने के लिए हमें कोई ना कोई एक भाव लेना होगा, और इस जीव जो भाव है उसको त्यागना होगा। धाम धनी वाणी में कहते हैं, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। जब तक स्वयं इस जीव भाव के इस बुद्धि के खेल को नहीं त्यागेंगे और स्वयं अपने आप को आत्मा का दावा नहीं लेंगे, तब तक हम अपने निस्वत तक नहीं पहुंच सकते। और निस्वत तक जब नहीं पहुंचेंगे तब संबंध हमें प्राप्त नहीं होगा। उस संबंध को दौड़ने के लिए ही हमें अपने खुद के ऊपर वो मैं का जो ज्ञान है वो लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हम ध्यान करते जाएंगे आगे बढ़ते हुए, धामधनी जिस प्रकार से मेहर करेंगे वो उनकी कृपा के द्वारा होगा, लेकिन जो सर्वप्रथम पुरुषार्थ नहीं करता उसके लिए कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, चाहे वो जाहिरी हो या चाहे वो बातिनी। लेकिन जिसकी आंखें दृष्टि खुलती रहेगी उसको ये सब कुछ पता होगा कि बाहरी भी मेहर है और आंतरिक भी मेहर है, जिसके कारण आज हम धामधनी के स्वयं करीब हैं। सेहरक से नज़दीक, जिस प्रकार से हर प्रवचन में और हर चौपाई के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करवारा। जो दिल है वो परातम के हैं, जो दिल है वो स्वयं राज्य के हैं, और जो दिल है स्वयं पूर्णतया अर्श है। और हर कोई हर किसी में विद्यमान है, वहाँ पे घटबड़ नहीं, वहाँ पे कोई बड़ा और छोटा नहीं, और आप और हमारे दिल में ही स्वयं राज्य बैठते हैं। तो जो निस्वत है वो किस प्रकार से हम आगे बढ़ाते हुए, जिस कानों के द्वारा हमने ये ज्ञान को सुना, हम आगे बढ़ते हुए कैसे जा सकते हैं? एक बार की एक घटना है कि एक ऋषि एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत थकान सा महसूस कर रहे थे अपने आप को चढ़ाते समय, वो लाठी का प्रयोग भी कर रहे थे। उनके साथ साथ थोड़ी दूर में एक छोटी सी बच्ची थी लगभग 12 साल की, और उसके पीठ पे लगभग 5 साल का एक छोटा सा भाई था। ऋषि पूछते हैं कि मैं तो थक चुका हूँ, तू चढ़ रही है भाई के साथ, क्या तुझे थकान महसूस नहीं हो रही है? तो कहती है कि ये मेरा भाई है। फिर से ऋषि पूछते हैं, नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुझे थकान महसूस हो रही है नहीं। फिर से वो कहते हैं कि ये मेरा भाई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी संबंध है, संबंध होने से हमें जो दुख भी महसूस होता है वो दूर हो जाता है। दुख तो इस संसार में हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि जो सगे संबंधी हैं वहाँ पे दुख नहीं होता, दुख तो होता है, लेकिन हम उसको एक नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो अपना है इसीलिए दुख से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई कटु वचन, थोड़ा सा वचन कुछ कह देता है तो हमें लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा कह दिया, क्योंकि वो पराए हैं। और हम अपने ही सुंदर साथ में यदि इस संबंध के कारण हम यदि अपने सुंदर साथ को पहचान नहीं करते, इस कटु वचन के द्वारा अपने ही सुंदर साथ से दूर होते हैं, तो स्वयं हम किससे दूर हो रहे हैं? क्या सिर्फ राजीव गुमर जी में ही बैठे हुए हैं?
क्या ब्रह्म सृष्टि के हृदय में राजी नहीं बैठे? तो जब आप अपने सुंदर साथ का दिल दुखाते हैं तो क्या आप राज्य का दिल नहीं दुखा रहे? तो इस प्रकार से जो देखा गया है, आज हम अपने आप को एक प्रतिष्ठा के रूप में तो देखना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते हुए राज्य के सामने भी पहुंचना चाहते हैं और उनको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम ना ध्यान करना चाहते हैं, ना उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ना उनका प्रचार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस राज्य हमें कृपा करें और 2-3 घंटे में ही हमें दर्शन हो जाए, जो कभी भी संभव नहीं है। और ते तेरे कानों सुने हक बका के बोल, धामधनी ने जो कहा है, मैं तुम्हारा प्रियतम हूँ, मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ, दे रूह मैं तू तुम्हारा आशिक करके वाणी में भी चौपाई आती है कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। और उसी प्रकार से स्वयं सुंदर सात को भी ये कहा गया है कि मैं भी तू, सुंदर सात भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा आशिक, दोनों ही आशिक हैं और दोनों ही मासुक हैं। इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि हम जो दोनों प्यार करते हैं उसमें, लेकिन हाँ, जब तक हम इस संसार के शरीर तक ही जुड़े रहेंगे तब तक हम ऊपर नहीं पहुंच सकते। तो शरीर से ऊपर होने के लिए अवश्य ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेद में कहा जाता है, द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया परिस्वस्व जाते। इस प्रकार से एक मंत्र का एक छोटा सा ये संस्करण है जिसमें कहा गया है कि एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए जो सुगा के रूप में है। एक सुगा भोग करता है उस पेड़ में लगे हुए फल को, और जो एक सुगा है, जो परिंदा है, वो दूसरे परिंदे को देखता है और सोचता है कि मैं उसका भोग कर रहा हूँ। जो पेड़ है वो ये प्रकृति है जिसमें आप बैठे हैं, जिसका आप खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ये शरीर कर रहा है, जिसको लगता है कि मैं खा रहा हूँ, वो जीव कर रहा होता है। और इस प्रकार से जो ऊपर की ओर एक परिंदा बैठा हुआ है वो दूसरे परिंदे को देख रहा है और कहता है कि मैं ही भोग कर रहे हैं। तो वो परिंदा को कहा गया है कि वो आत्मा है जो सिर्फ देखती है, लेकिन ना वो भोग कर रही है, ना वो कुछ इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो सिर्फ देखने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे नहीं आए, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्य नहीं करें। जिस प्रकार से इस संसार के जो प्रधानमंत्री हैं या जो राष्ट्रपति हैं, जब वो ऑर्डर देते हैं या जो कार्य इस संसार में होता है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हो गए, यदि उनके बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता यदि गलत करता है या सही करता है तो किसको प्रशंसा या किसको गलती कहा जाता है? नरेंद्र मोदी को ही कहा जाता है। उसी प्रकार से जो भी आप इस शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो जीव ही कर रहा हो, चाहे आपकी बुद्धि कर रही हो, चाहे आपकी चित्त के संस्कार आपको करवा रही हो, लेकिन दोष किसको जाएगा? जो बड़ा है, और बड़ा कौन है? स्वयं यहाँ पे बैठे हुए आत्मा है। तो वो आत्मा को जो दोष लगेगी तब जाकर कहा गया कि वो हंसी का खेल होगा। तो आप स्वयं अपने आप को कब आत्मा मानेंगे और हम लोग कब राज्य के चरण कमल में दौड़ के हुए जाएंगे? चलो चलो रे साथ अपने जाइए धाम। तो इस प्रकार से चलने के लिए भी कहा गया है। और आगे बढ़ते हुए यदि हम अपनी निस्बत का सच्चा पहचान करते हैं तो अवश्य ही हम जिस मार्ग में बढ़ रहे हैं, यदि हमने आम का वृक्ष लगाया है तो आम का फल चखने को मिल जाएगा। ये कोई अपवाद नहीं है कि पेड़ रोपा गया तो नीम का पत्ता उगेगा, उसमें आपको फल खाने को भी मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि हम चित्वनी को आधार नहीं बनाएंगे, राज्य के वाणी का अध्ययन नहीं करते, सिर्फ महात्माओं के बहनाए में ही हम चलते हैं, और अपने हृदय से यदि वाणी का अध्ययन नहीं करते तो कोई हमें मार्ग से भटका भी सकता है। तो उस भटकाव से अलग ना होने के लिए स्वयं अपना अध्ययन भी जरूरी है, और अपना जब अध्ययन होगा तब राज्य से हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता। समय तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पे कहा गया है, हम ये विचार करें अपने जीवन को,
और आगे बढ़ते हुए हम स्वयं श्रीराज जी की ओर ही हमें जाना है, तो साथ साथ सुंदर साथ अर्थात साथ साथ चलने वाले जो अंदर से भी सुंदर हो और बाहर से भी सुंदर। तो इस प्रकार से आज इस चौपाई को हम यहीं पे रखते हुए हम चौपाई को दोहराएंगे। देख तू निस्वत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, ते तेरे कानो सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। प्रणाम जी।